अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं रेड वेलवेट कपकेक, जो बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप हमें मैदा चाहिए और हमें तकरीबन 4 टेबल स्पून बटर चाहिए, 12 टेबल स्पून हमें शुगर चाहिए, पाउडर शुगर चाहिए, और 12 चमचे ही हमें टेबल स्पून दूध के चाहिए। वनीला एसेंस चाहिए, रेड फूड कलर चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें कोको पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें सिरका चाहिए, 1 टी स्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए और 1 आधा चम्मच हमें चाय का आधा चम्मच हमें चाहिए बेकिंग सोडा। सबसे पहले हमने ये पतीला गरम करने रख देना है। पतीला लेंगे एक, ठीक है, पतीला लेके इसको पहले से ही कोई भी जाली रख के आपने इसको गरम कर लेना है, और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसको पहले से ही ओवन को गरम गरम कर लें, प्री हीट कर लें, और पतीले को भी इसी तरह प्री हीट कर लें, और इसके बाद हम शुरू करते हैं। पहले हमने क्या करना है, नीम गरम दूध ले लेना है। नीम गरम दूध लेके इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड पे रख देंगे। इतने हम अपना बैटर तैयार करेंगे। अनसॉल्टेड बटर है, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं अगर बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो, ऑयल से भी बन जाता है। तो हमने थोड़ा सा इसको बचा लेना है, हमने अभी जब क्रीम की हम वो बनाएंगे तो हमने ये चाहिए होगा। ये लेके इसमें हमने ये वाला जो खाने का चमचा होता है ना, ये वाला 12 चमचे हमने चीनी के लेने हैं। देखिए, मैंने 4 टेबल स्पून बटर डाला है और मैंने 12 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली है, पिसी हुई जो शुगर होती है वो डाली है। ब्लेंडर लें, उसमें पीस लें, बारीक हो जाएगी, वो डाल लें। अब तकरीबन 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस डाल देंगे, इसको घुमाएंगे। मक्खन था उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है वनीला एसेंस के साथ। बस इस तरह हमने मिक्स करके बाकी इससे स्पैचुला से करेंगे। इस तरह हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसीलिए चीनी मैं आपको कह रही हूँ पीस के डालिएगा, वरना दाना रह जाएगा, और चीनी बटर में जो है वो बिल्कुल भी नहीं घुलती है, वो बहुत मोटा मोटा सा बटर रहता है जिससे बहुत अच्छा नहीं लगता। बस ये हमारा जब बटर और जो चीनी है और जो अच्छे से जब हमारा मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक छन्नी रखनी है, मैदा डालना है इसमें, 1 कप मैदा है, कोको पाउडर है 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे, ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है ये 1/2 टीस्पून डालेंगे, बेकिंग पाउडर है ये 1 टेबल स्पून डालेंगे फुल भर के, इसको छान लेंगे। ये जो दूध रखा था हमने, इसको बटर मिल्क कहते हैं। अगर आप गर्म दूध में वैनिगर डाल दें तो इस तरह का बटर मिल्क तैयार हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। सारे ही चला गया, ये 1/3 कप दूध था मेरे पास, तकरीबन 12 चम्मच खाने वाले चमचे जो होते हैं टेबल स्पून ये था। तो इस तरह हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से, एक फ्लफी सा बैटर तैयार हो जाएगा हमारा।
1 टेबल स्पून हम इसमें ये रेड फूड कलर डाल देंगे, ये बासानी मिल जाता है आपको ग्रॉसरी शॉप से। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छे से हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इस तरीके से देखें, इस तरह ही हमें चाहिए था, बिल्कुल तैयार है हमारा बैटर। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। ये देखें बस एक हम इस तरह का मोल्ड ले लेंगे और इस पे जो है इसमें हमने ये रैपर लगा लिए हैं। कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, अपनी इस तरह रख के एक ही नाप आपने लेना है, कोई भी उस स्पून ले लें आप, और इससे आपने इस तरह भर के में इस तरह हमने टैप करना है ताकि अंदर से जो एयर है वो सारी निकल जाए। देखें ये पतीला हमने गरम करने रख दिया था, ये आपने सबसे पहले इसी को गरम करने रखना है। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप ओवन को सबसे पहले रख दें। इस तरह करने के बाद पतीला गरम बहुत है, इसलिए ज़रा हाथों को बचा के ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। इस तरह रख के हमने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। इसको बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे हम, और स्लो आंच पे हमने इसको बेक करना है। बस जब तक हमारे कपकेक तैयार हो रहे हैं उस वक्त तक हमने ये 1-2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, यानी कि 6 टेबल स्पून, और हम इसको अच्छे से, इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हमने ऐसे ही इसको अच्छे से हम फेटेंगे। हम मशीन से भी फेट सकते हैं, आप हाथ से भी फेट सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा चिल्ड होनी चाहिए तो बहुत अच्छे से होता है। और इसके अलावा अगर आप व्हिपिंग क्रीम नहीं लेना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डेयरी मिल्क की कोई भी आप क्रीम ले लें, और क्रीम लेने के बाद आप उसमें 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप उसमें पिसी हुई चीनी, पिसी हुई शुगर ऐड कर लें, शुगर पाउडर। मशीन से भी फेट सकते हैं, हाथ से भी फेट सकते हैं, बहुत अच्छे से फिट जाएगी, कोई मसला नहीं है, बस ठंडी होनी चाहिए। जब ठंडी होगी तो बहुत अच्छी फिटेगी। इतने हम ये फेटते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बस हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हमारे कपकेक तैयार हैं। इसमें आप कोई भी छुरी या टूथपिक डाल के आप चेक कर लें। हमारे कपकेक जो हैं बिल्कुल ठंडे हो गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बस हमारे कपकेक तैयार हैं, और अब हमने जो क्रीम फेटी थी आपके सामने मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, इसको हमने अब इस तरह करना है। देखिए बस हमारे कपकेक तैयार हैं। इस तरह फ्रीज़र में क्रीम रख के आपने ऊपर से क्रीम लगानी है, और हमने जो क्रीम फेटी थी वो भी हमने ऊपर से लगा दी है। इस तरीके से बिल्कुल क्रीम ठंडी होनी चाहिए, तो और केक, आपके केक भी ठंडे होने चाहिए, फिर उसके ऊपर फिर आप क्रीम लगाइएगा। और इस तरह डेकोरेट करके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला किस्म के हमारे कपकेक, रेड वेलवेट कपकेक हमारे तैयार हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।